के एनकाउंटर पे भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े करे थे। समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी अपराधियों में भी जाति ढूंढती है। और समाजवादी पार्टी के समय आपने देखा होगा अलग अलग सरकारों के समय इस प्रकार से अराजकता गुंडागर्दी होती थी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहता था और सरकारें दंगाइयों के साथ थी। तो इनका चरित्र ऐसा है कि ये हमेशा जो अनैतिक काम करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े थे, लेकिन पूरा देश पूरा प्रदेश इन्हें जानता। हमारी सरकार अपराध के अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार के साथ पेश आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अनैतिक कामों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है, बगैर किसी भेदभाव के हम सरकार उस पर कार्रवाई करें। अखिलेश जी अपने अनुभव के आधार पर ये बोल रहे हैं कि उनके समय अपराधियों में कैसे जाति देखी जाती थी, कैसे समाजवादी पार्टी का एंगल देखा जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी की सरकार में बगैर किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि उपचुनाव में जो है इस बार सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को जनता ने नकार दिया। काट की हांडी बार बार नहीं चलती। हमारे लिए गर्व की बात है कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश में बनी है और हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग स्वच्छता अभियान में घर घर जाकर अपनी पार्टी के स्वच्छता बनाने के काम में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे भी अधिसूचना लगेगी हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी की दस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद योगी जी को मिलेगा। लगातार राहुल गांधी जो है मिलावट जो चर्बी और उसकी बात की जा रही है, देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, हमारे लिए बहुत दुखद है। और जहाँ भी इस तरह की बात है, राज्य सरकार इस पर आंध्र का विषय आया है, आंध्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है, हमें सबको धैर्य रखना चाहिए और देश की कानून न्यायपालिका में हम सबको विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की